स्वागत है आपका आज के मेरे इस YouTube सेशन में। आज हम बात करेंगे टॉप 10 फ्रूट्स जो डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो फ्रूट है एप्पल। एप्पल में बहुत सारा फाइबर होता है, ये हमारे शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और इसके अलावा हमें कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है। ये बोला जाता है 1 apple a day कीप्स द डॉक्टर अवे। नंबर टू पे है जामुन। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है, इसमें सुक्रोज बिल्कुल नहीं होती और ये फाइबर रिच फ्रूट है और इसमें अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसमें पॉलीफिनॉल नाम का जो एक कंपाउंड होता है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और कैंसर को प्रिवेंट करता है। इसके सीड्स का अगर पाउडर बना के खाया जाए, क्योंकि इसके सीड्स में जम्बोलिन नाम का एक केमिकल होता है, वो जो केमिकल है वो एक्सेस यूरिनेशन की प्रॉब्लम जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नंबर 3 पे है ग्वावा। ग्वावा विटामिन सी में रिच होता है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 12 से 24 के बीच में होता है और ये रिच पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में रिच होता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एक एंटी डायबिटिक फ्रूट है। इसके पत्तों की अगर चटनी बना के उसको एक गिलास पानी में उबाल कर और उसको उसकी अगर ग्रीन टी बना के सुबह खाली पेट अगर डायबिटिक पेशेंट पीते हैं तो वो उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और साथ में उनके लीवर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। कीवी जो फ्रूट है वो कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी लो होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जिसकी वजह से ये ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को स्लो करता है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक अच्छा फ्रूट माना जाता है। इससे हमें विटामिन सी, ए, ई, पोटाशियम, फोलेट और बीटा कैरेटिन नाम के विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं और बीटा कैरेटिन होने की वजह से ये एक फ्री रेडिकल से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें आगे लॉन्ग रन में कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको बोलते हैं ओसीटोल, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट हर रोज़ एक कीवी खा सकते हैं। ऑरेंज एक फाइब्रस फ्रूट है जो विटामिन सी रिच है और इसमें कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट बहुत कम होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ताकि हमारे बॉडी को बाकी सभी वायरसेस से फाइट करने की पावर मिल सके। नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है पियर। पियर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, ये बहुत ज़्यादा फाइबर रिच है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट इसमें कम होने की वजह से ये शुगर को धीरे धीरे रिलीज़ करता है और ये बहुत सारे विटामिन्स और फाइबर का सोर्स है जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंथोसाइनिन नाम का फ्लेबिनोइड होता है जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन को 50% बूस्ट करता है। तो अगर आप 1 cup चेरीज हर रोज़ खाते हैं तो वो आपके इंसुलिन हेल्थ के लिए और आपके पैनक्रेटिक हेल्थ के लिए अच्छा, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मसल पेन में रिलीफ देता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और बेली फैट को कट करने में हेल्प करता है। स्ट्रॉबेरी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से नीचे है, फाइबर रिच है और इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट कम होता है, इस वजह से ग्लूकोज कम रिलीज करता है। ये हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। डायबिटिक पेशेंट 1 cup रोज़ स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट जो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है वो पपाया। पपाया लो शुगर है और इसमें बहुत सारा फाइबर है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा फ्रूट रिकमेंडेशन माना जाता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम का रिच सोर्स है। की लिस्ट का लास्ट फ्रूट है अनार। पोमग्रेनेट जो कि विटामिन सी और बहुत सारे आयरन कॉन्टेंट से रिच है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, अपने कमेंट दें और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपनी सेहत पर काम करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और सबको भी खुश रखें। धन्यवाद।